नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से लेकर के पाकिस्तान तक इसे सभी जानते हैं। घग्गर नदी मानसून की बारिशों के दौरान हिमालय प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है। यह नदी हरियाणा के कालका से अंबाला और पंजाब से होकर गुजरती है। यहाँ से होते हुए ये राजस्थान के में दाखिल हो जाती है, जहाँ एक द्रोणी में यह अपने बहाव में मौसम में तलवारा झील बनाती है, यानी इसे एक तलवारा झील के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान में दो सिंचाई की बड़ी नहरें भी निकलती है। कहीं कहीं इसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस घग्गर हकरा नदी की कुछ छोटी छोटी उप नदियाँ भी हैं। हरियाणा के अंबाला जिले से छोटी पहाड़ियों वाले इलाके से सरस्वती नदी इसे कहा जाता है, और पुराने समय में कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी ही है जो विलुप्त हो चुकी है। पुराने समय में शदुलगढ़ के पास में सतलुज नदी की एक छोटी सी धार घग्गर नदी में मिला करती थी, लेकिन कालांतर में ये अब सूख चुकी है। इसी प्रकार से चौतंग नदी, जिसका प्राचीन वैदिक नाम शायद दृष्टद्वती था, सूरतगढ़ के पास में घग्गर को मिलती है। घग्गर नदी के फर्श की चौड़ाई को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी समय में बहुत बड़ी नदी रही होगी। कई जगह लिखा जाता है कि इस नदी का इतिहास लगभग 10,000 साल पुराना है, जो पीछे हिमयुग के खत्म होने पर हिमालय की कुछ महान हिमानिया यानी ग्लेशियर पिघलने से इसकी शुरुआत हुई। इसे संभव है कि ये उन दिनों में आगे जाकर के कच्छ के रण में शायद ये खाली होती हो। कुछ विद्वानों का मत है कि समय के साथ साथ इस नदी को पानी देने वाली उप नदियाँ सिंधु नदी और यमुना नदी के मंडल में पानी देने लगी, यानी छोटी छोटी नदियाँ उन नदियों में जाकर मिल गई, जिसकी वजह से घग्गर नदी सूख चुकी। बरसात के समय में ये पानी पूरा उफान पे होता है। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो है घग्गर के जहरीले होते पानी की। ये पानी न लोगों के लिए स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला है, बल्कि वन्य जीव जंतु और पशु पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इसने वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा दी है। सरकार ने अगर कोई खास कदम नहीं उठाया तो ये और घातक हो सकता है, क्योंकि इसका पानी किसान अपने खेतों में लगाते हैं और घग्गर के खाली नाले में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी इसमें मिलाया जा रहा है। सरकारें इसके बारे में जानकार हैं, परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से शायद सरकारें बच रही हैं, क्योंकि ये नदी 3-4 राज्यों से होकर गुजरती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के पानी से किसान खेतों में उपयोग करते हैं और उसकी वजह से अनाज में कैंसर की मात्रा बढ़ रही है, यानी लोग कैंसर पीड़ित होते जा रहे हैं। केमिकल के कारण कुछ ऐसे कारक बनते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में लिखा गया था कि शनिवार को हिमालय की ओर से अचानक काला पानी आने लगा। पानी में काले रंग के पदार्थ की मिलावट दिखाई दी। स्थानीय ग्रामीण लोगों ने नदी के पास जाकर देखा तो पाया कि नदी में बड़ी शेर से ऊपर हिमालय की ओर से बदबूदार और गहरे काले रंग का पानी चला आ रहा है। इस क्षेत्र के लोगों ने बताया कि हिमालय की तरफ से खराब पानी पहले भी डाला गया है और वही गंदा पानी इस बार भी आ रहा है। ग्रामीणों ने इस पानी को पीने से खतरा होने का अंदेशा भी बताया। वहीं पानी में काले रंग के साथ साथ कुछ मशरूम भी आने के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जानकारी के लिए बता दें कि क्षेत्र में इसी घग्गर नदी से ही मोरनी क्षेत्र के अधिकतर गांव में पानी की सप्लाई भी होती है, यानी पीने का पानी यहीं से जाता है। इसलिए आसपास के क्षेत्र में लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में गर्म है। लोगों का कहना है कि हिमालय की तरफ से आने वाले मशरूम वाले पानी में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं, जो नदी में पानी पीने वाले पशुओं के लिए भी खतरा बने हैं। इसकी सूचना लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी दी, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा और ना ही वहां पर किसी प्रकार के सैंपल लिए गए। उधर लोगों ने अपने स्तर पर बोतलों में पानी भर कर रखा है, ताकि इसको लैब में टेस्ट करवाया जा सके। इस पानी को चेक होने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसमें किसी तरह का केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि घग्गर के आसपास काफ़ी फैक्ट्रियों वाले क्षेत्र भी आते हैं।
और इनसे निकलने वाले खतरनाक रसायन पानी के साथ घुलनशील होकर के घग्गर में आ गिरते हैं। वहीं कुछ अधिकारियों का भी मानना है कि इन कंपनियों द्वारा नदी के निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाला केमिकल युक्त पदार्थ पानी में मिलाया जाता है, इसकी पूर्ण रूप से आशंका है। और खासकर बरसाती मौसम में इन कंपनियों द्वारा अपने पास रखा वेस्ट मटेरियल नदी में बहाने की फिराक में रहते हैं, ये बड़े खतरे का संकेत देते हैं। एक अखबार के अनुसार क्षेत्र के BDC चेयरमैन कमलदीप राणा ने कहा है कि इस प्रकार नदी में काला पानी आना खतरे का संकेत है और इस पानी को में क्या मिला हुआ है, इसमें जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इसकी जांच की जानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी, लेकिन नदी में काला पानी कई बार आता है और इस प्रकार के खतरे को देखते हुए घग्गर नदी के आसपास बने हुए वाटर वर्क्स की सप्लाई भी बंद करवा दी जाती है। पानी के सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें टेस्ट करवाने के लिए प्रदूषण बोर्ड को इस संबंध में लिखा भी जाता है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पानी में क्या मिला हुआ है, कहीं कोई जहरीला रसायन तो नहीं। खैर, लोगों द्वारा अपने स्तर पर इस तरह की कार्रवाई कई बार हुई है। अब सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस पानी की लैब टेस्टिंग हो। अगर पानी में किसी प्रकार का खतरा होता है तो किसानों को इस पानी को उठा करके खेतों में लगाने से रोका जा सके, क्योंकि इस प्रकार के केमिकल और रसायन खेतों में हमेशा रहेंगे। इस पानी के साथ साथ आसपास में सिंचाई होने वाली भूमि भी प्रदूषित होने का खतरा है और शायद उसमें पैदा होने वाला अनाज भी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। कैंसर जैसी घातक बीमारियों के साथ साथ कई प्रकार के डिजीज भी फैल सकते हैं। इस प्रकार के संभावित खतरों पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।